नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रवि मिश्रा। बड़ी कवरेज की हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्योंकि ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है और इस हमले की हर बड़ी खबर और डिटेल तस्वीर अब होंगी आपके सामने। और ईरानी हमले के बाद इजराइल ने रिएक्शन दिया है और साथ ही हम आपको बताएंगे कि क्या कहा इजराइल ने, कैसे उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट को लेकर नया तनाव पैदा हो गया है। और शुरुआत हम 50 बड़ी खबरों के साथ करें। ईरान ने इसराइल पर दागी 200 मिसाइलें, इसराइल के 102 ठिकानों को निशाना बनाया। हमले के बाद इसराइल में हर तरफ गूंज रही है सायरन की आवाज। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, ईरानी मिसाइल गिरने का पहला वीडियो भी आया सामने। इसराइल पर गिरी एक साथ कई मिसाइलें, हमले के बाद खौफ में है लोग, चारों तरफ अफरा तफरी। मिसाइल हमलों का ईरान में लाइव टेलीकास्ट भी हुआ, इसराइल पर हमलों की टीवी पर दिखाई गई लाइव तस्वीरें, टीवी स्क्रीन लगाकर हमला देखा गया। इसराइल पर हमले के बाद ईरान का बयान, इसराइल के नेवतम एयरबेस को तबाह किया, 90% मिसाइल टारगेट पर गिरी। मिसाइल हमले पर खमेनेई का भी बयान, बोला नसरुल्लाह की मौत का बदला लिया, 90% मिसाइल अपने लक्ष्य पर गिरी है। मोसाद हेडक्वार्टर को उड़ाने का ईरान का दावा, 20 से ज्यादा F-35 लड़ाकू विमान तबाह किए। ईरान का इसराइल पर घातक हमला, तेल अवीव तक ईरानी मिसाइलें गिरी। ईरानी मिसाइलों की तस्वीरें भी आई सामने, आसमान में सैकड़ों मिसाइलें नजर आई। ईरान की मिसाइलों से फट गया इसराइल का आसमान, रिहायशी इलाकों पर भी मिसाइलें गिरी। ईरानी मिसाइलें गिरने से इसराइल के कई इलाकों में हुआ तेज विस्फोट, खतरे में इसराइल के कई शहर। इसराइल के आसमान में दिखी ईरान की घातक मिसाइलें, हमले के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुबार। तेल अवीव यूनिवर्सिटी के पास गिरा रॉकेट, ईरान ने तेल अवीव यूनिवर्सिटी के पास दागी मिसाइल। ईरानी हमले के बाद पूरे इसराइल में अलर्ट, तेल अवीव, अशदोद, हाइफा में बज रहे सायरन। ईरान का इसराइल पर बारूदी प्रहार, इजरायली आयरन डोम ने अधिकतर मिसाइलों को हवा में किया बेअसर। तेल अवीव में मिसाइलों के जमीन से टकराने का वीडियो आया सामने, ईरानी मिसाइलों के गिरने के बाद लगी आग। इसराइल पर ईरान की बारूदी बौछार, इसराइल के आसमान में एक साथ दिखे 40 से ज्यादा रॉकेट। ईरानी हमले का एक और वीडियो आया सामने, आसमान से जमीन पर टकराती दिख रही हैं मिसाइलें। ईरान ने हमले से पहले रूस को फोन कर दी थी जानकारी, रूस की अनुमति के बाद ईरान ने दागी मिसाइल, अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर। इसराइल ने खोला अपना एयर स्पेस, नागरिकों को बंकर से बाहर आने को कहा, ईरानी हमले के बाद बंकरों में छिपे थे लोग। इसराइल पर पहली बार दागी गई फतह मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने में सक्षम, IRGC ने तैयार की है मिसाइल। इसराइल के हमले के बाद IDF का एक्शन, कमांडिंग ऑफिसर ने किया गडेरा का दौरा, ईरानी मिसाइल गिरने से तबाह हुआ स्कूल। पुराने यरूशलम शहर पर गिरी ईरानी मिसाइलें, IDF ने जारी किया वीडियो, अलक्सा कंपाउंड तक पहुंची मिसाइलें। जॉर्डन में गिरी ईरानी मिसाइल, सड़क पर दिखाई दी धधकती हुई आग। ईरान के हमले से हिला अमेरिकी शेयर बाजार, औंधे मुंह गिरा नैस्डैक, करीब 1.5% गिरावट। ईरान ने इजरायली बस्तियों को बनाया निशाना, गाजा के पास ईरान ने किए ताबड़तोड़ हमले। खमेनेई ने इजरायल को हिब्रू भाषा में दी धमकी, कहा जायोनी शासन पर होंगे मजबूत और दर्दनाक हमले। डच नेता वाइल्डर्स का खमेनेई को जवाब, खमेनेई को बताया मानसिक रोगी, कहा लोकतंत्र के लिए इजरायल के साथ खड़े।
इसराइल ने अपने सभी एयर स्पेस किए बंद, आसमान में अब किसी तरह की नहीं होगी कोई एक्टिविटी। ईरानी हमले में तबाह हुआ एक रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट की तस्वीर आई सामने। इसराइल पर हमले को लेकर यूएनएससी की आज बड़ी बैठक, ईरानी हमले को लेकर होगी चर्चा। ईरान के हमले पर नेतन्याहू का बड़ा बयान, बोले ईरान ने हमला कर की बड़ी गलती, हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी हमले पर इसराइल का बड़ा बयान, कहा ईरान का इस्लाम, यहूदी और ईसाई पर हमला बदले के लिए सभी हद पार करेगा इसराइल। ईरानी सेना का एक्सपर्ट पोस्ट, हाइपरसोनिक घातक मिसाइलों को रोकना संभव नहीं और तेज होंगे हमले। ईरानी राष्ट्रपति की इसराइल को चेतावनी, यह हमला सिर्फ ट्रेलर था, ईरानी हितों की रक्षा के लिए हमला। इजरायली हमले पर बोला खमेनेई, अंतिम विजय सत्य की होती है, इसराइल को और बड़े जख्म देंगे। हमले पर ईरानी राष्ट्रपति का बयान, ईरान युद्ध नहीं चाहता, जवाबी हमला करेंगे, ईरान के हितों के लिए हमला जरूरी था। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल नासिर जादेह का दावा, ऑपरेशन में कई तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ, हमले का देंगे करारा जवाब। बाइडेन ने अमेरिकी सेना को आदेश दिया, ईरानी मिसाइलों को अमेरिकी सेना गिराए। इसराइल में एक घंटे में 1864 हमलों का अलर्ट, पूरे इसराइल में सायरन बज रहे हैं। ईरान के हमले पर इसराइल का जवाब, इसराइल का पलटवार तो पूरे अरब में धमाके, अरब के हर देश में तेल डिपो पर हमला होगा। राष्ट्रपति बाइडेन बोले, हमारी हर घटना पर नजर है, ईरान का हमला पूरी तरह से विफल, इसराइल की रक्षा के लिए अमेरिका साथ खड़ा है। अमेरिका और इसराइल के रक्षा मंत्रियों की बात हुई, 24 घंटे के अंदर दूसरी बार दोनों रक्षा मंत्रियों की बात। इजरायली शहरों पर गिरती दिखी ईरानी मिसाइलें, अटैक में भारी नुकसान। इसराइल पर हमले के बाद इराक में जश्न, बगदाद में लोगों ने सड़क पर जश्न मनाया, झंडे लहराकर लोगों ने खुशी जाहिर की। इसराइल पर हमले के बाद फिलिस्तीन में जश्न, लोगों की आतिशबाजी की भी तस्वीरें सामने आई। इसराइल पर हमले को लेकर इराक में जश्न, साउथ प्रोविंस की सड़क पर लोगों ने जश्न मनाया, सड़क पर झूमते नाचते नजर आए लोग। इसराइल पर हमले के बाद लेबनान में जश्न, लोगों ने खुशी मनाई, लोगों ने मिठाई बांटी और आतिशबाजी की। ईरानी हमले के बाद वेस्ट बैंक में भी जश्न, जेनिन में ईरानी मिसाइल गिरी, फिलिस्तीनियों ने मिसाइल के साथ जश्न मनाया। और ईरान की राजधानी तेहरान में उत्सव मना, इसराइल पर हमले को लेकर ईरानी समर्थकों ने जश्न मनाया।